तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो देखिएगा, ये तो रहा आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो कि कक्षा 9वीं का है सामाजिक विज्ञान विषय का, और देखिएगा इसी के साथ साथ में ये रहा आपके क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। आज मैं यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक का पूरा आपके पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आया है और आप सब लोगों को अपने इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली सभी के सभी क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन आपका परीक्षाओं में से बाहर जाने वाला नहीं है। तो देखो, इस प्रकार का पूरा आपका कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर होने वाला है। यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें और पूरा का पूरा समझ लें। यहाँ से आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाइए, क्योंकि आज मैं यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 1 से लेकर 23 तक के सभी क्वेश्चन बताने वाला हूँ, साथ ही साथ में उनका पूरा सॉल्यूशन भी आपको मैं देने वाला हूँ। आप देखो, इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप देखो, सही विकल्प चुनकर आपको कैसे लिखने हैं। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 को कहाँ से संपन्न हुई? तो देखो, बस्तील के किले से संपन्न हुई, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन द्वारा कर दी गई। तो देखो, इसका राइट आंसर आएगा 61वें संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया था। तीसरा क्वेश्चन, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। उसके अलावा तीसरे नंबर का क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखो, 2.4% है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन, इनमें से स्थायी पूंजी कौन सी है? तो देखिएगा, यंत्र, कंप्यूटर, भूमि, ये सभी के सभी जो चीज़ें हैं ना, ये स्थायी पूंजी के उदाहरण हैं। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। अब इसके अलावा देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लें, इनमें से कौन एक गैर कृषि कार्य है? तो देखो, यहाँ से आपको दुकानदारी लिख देना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं, और उसके बाद में फिर इधर आ जाते हैं, इन क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिलेगी। आप समझते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला रिक्त स्थान, भारत में वोट डालने की उम्र कितनी है? 18 वर्ष। आन सांग सू की देश की है? तो देखो, ये म्यांमार देश की है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में देश है? तो देखो, 15 देश है। उसके बाद में श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? कोलंबो। यहाँ से आपको कोलंबो लिख देना है। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? तो देखो, 5 वर्ष होता है। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें। उसके बाद में देखो, भारत का संविधान कब बना? तो देखो, ये 26 नवंबर 1950 को बनाया गया था। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें। अब उसके बाद में देखो, हम यहाँ से इन क्वेश्चन को देखने वाले हैं। सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन, जा जांक रूसो अमेरिका के निवासी थे? सत्य होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है? ये भी सत्य होगा। और पॉलिटिक्स के रचयिता कार्ल मार्क्स है? ये भी आपका असत्य होगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश के थे? तो देखो, ये आपका असत्य हो जाएगा। गेहूं रबी की फसल है? ये भी आपका सत्य होगा। लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का चुनाव जनता करती है? ये भी आपका सत्य होगा। तो देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स मैंने बता दिए। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 4 को देख ले, जिसमें कि आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। अब देखो, जोड़ी का मिलान कैसे करना है। पहला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला की जोड़ी मिल जाएगी दक्षिण अफ्रीका से, महात्मा गांधी की जोड़ी भारत से, आंग सान सू की जोड़ी म्यांमार से, अब्राहम लिंकन की जोड़ी अमेरिका से, सुकरात की जोड़ी एथेंस से, लौह पुरुष की जोड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल से। देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर्स मैंने बता दिए। और उसके बाद में देखो, अब यहाँ से आप सब लोग एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर को देख ले। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो देखिए, स्वेज नहर जो है ना, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। उसके अलावा, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य? तो देखो, ये गुजरात हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा, हिंद महासागर में स्थित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, खादर क्या है? तो देखो, जहाँ नदी की आने वाली मिट्टी जमा हो उसे हम खादर कहते हैं। भारत के एक सक्रिय ज्वालामुखी का नाम लिखिए? तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा, बेरन द्वीप। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा किसे कहते हैं? तो देखो, संविधान निर्माण करने वाली सभा को संविधान सभा कहा जाता है। देखो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन देख लो। अब इसके बाद में हम आगे इन प्रश्नों के उत्तरों को देखने वाले हैं। यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को समझ लें और पूरा का पूरा देख लें। अब इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का अक्षांशी व देशांतरी विस्तार लिखिए। अब देखिएगा, भारत का अक्षांशी विस्तार क्या है, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे। ये भारत का अक्षांशी और देशांतरी विस्तार है, यहाँ से आप सब लोग लिख लें इसको। उसके अथवा में क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के पड़ोसी देशों के नाम। तो देखो, ये भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखे हैं, यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा याद कर लें। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन पढ़ लें,
कर्क रेखा भारत में कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, प्रश्न नंबर 7। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 7 में, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लें। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन अगर देखा जाए तो देखिएगा इसका उत्तर कहाँ मिलेगा, ये लिखा है, देखिएगा ये इसका उत्तर है पूरा का पूरा, आप लोग देख लें और पूरा इसको समझ भी लें। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत के तीनों और विस्तृत जल राशियों के नाम लिखिए। तो देखिएगा इसका राइट आंसर यहाँ से आप लोग देख लें, ये इसका राइट आंसर होगा, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया प्रश्न नंबर 7 में, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखो इसका आंसर तो अपन देख लिया था। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन, मानक यामनोंतर से क्या आशय है। तो देखिएगा मानक यामनोंतर क्या होता है, प्रश्न नंबर 8। देखो प्रश्न नंबर 8 का सॉल्यूशन यहाँ से आप सब लोग पूरा का पूरा देख लो और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लोगे, आपको पूरा इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत को विश्व में किन नामों से जाना जाता है। तो देखिएगा भारत को विश्व में किन नामों से जाना जाता है, हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त, भारत नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भूगर्भीय प्लेट क्या होती है। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख लें, भूगर्भीय प्लेट है ये। तो देखो इसका उत्तर आप सब लोग देख लेंगे, इसका उत्तर शायद है नहीं यहाँ पर, या फिर आपको मैं बाद में उपलब्ध करवा दूंगा। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट क्या है, प्रश्न नंबर 9 का 8वां वाला क्वेश्चन। तो देखिए उसका उत्तर ये लिखा है, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट क्या है। इसके आंसर को पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से नोट कर लो और याद भी कर लो इसको अच्छी प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, लिखा है भाबर क्या है, प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा गया। देखो भाबर क्या है, इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो आप सब लोग, पूरा का पूरा क्वेश्चन और इसका उत्तर मैंने बता दिया कि भाबर क्या है, आप सब लोग इसको देख लें और अच्छे से पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत के प्रमुख आकृति विभागों के नाम लिखिए, 10 का 8वां वाला। देखो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को देख लो, ये इसका उत्तर लिखा है, आप सब लोग इसको समझ लें और पूरा का पूरा इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, अपसारी भूगर्भीय प्लेट क्या होती है, प्रश्न नंबर 11 में आपसे पूछा जाएगा। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से आप सब लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से देख लें, भारत का उत्तरी मैदान ज़्यादा उपजाऊ क्यों है, लिखिए 11 का 8वां। देखो इसका उत्तर ये लिखा है, भारत का उत्तरी मैदान ज़्यादा उपजाऊ क्यों है, लिखिए। तो यहाँ से आप सब लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा लिख भी लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, गिलेटिन क्या है, प्रश्न नंबर 12। तो देखो इसका राइट आंसर ये होगा, मृत्युदंड देने के लिए बना एक यंत्र है। उसके बाद में फ्रांसीसी क्रांति क्या थी। तो देखो इसका राइट आंसर यहाँ से देख कर लिख लो कि फ्रांसीसी क्रांति क्या थी, फ्रांसीसी क्रांति के इतिहास की राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल एवं आमूल परिवर्तन की एक अवधि थी जो 1789 से, आप सब लोग इसको देख ले, 1799 तक चली। आप सब लोग इसको इस प्रकार से याद कर लोगे पूरा का पूरा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन, आतंक का राज किसे कहते हैं, प्रश्न नंबर 13। देखो व्यक्ति या संगठन लोगों में डर फैलाने के लिए कार्य करे उसे आतंक का राज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी के मध्य वर्ग का प्रमुख व्यवसाय क्या था, 13 का 8वां। देखो 13 का 8वां वाला क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे इसको पूरा और इसको याद भी कर लो, यहाँ तक का पूरा सॉल्यूशन आपको याद करके लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़े तो प्रश्न नंबर 14, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन कौन से सिद्धांत दिए, प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ से आप सब लोग लिख लो, फ्रांस की क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के सिद्धांत दिए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्रांतिकारी महिला ओलंप दे गूंज कौन थी, 14 का 8वां। देखो इसका राइट आंसर यहाँ से आप सब लोग लिख लो, ये इसका राइट आंसर होगा और आप सब लोग इसको नोट कर लो अच्छी प्रकार से। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 कुलोल का क्या अर्थ है, 100 कुलोल, ठीक है ना, कुलोत है ना। तो 15 का राइट आंसर ये होगा, आप सब लोग देख लें और इसको अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन, 15 का 8वां, राजा राम मोहन राय के प्रमुख दो सुधार लिखिए, 15 का 8वां। देखो 15 का 8वां वाला क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको हल भी कर लें, लिख भी लें, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 16वां, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था, प्रश्न नंबर 16। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो आप सब लोग, ये बता दिया मैंने आपको। अगला क्वेश्चन ये लिखा है, प्रथम व द्वितीय विश्वयुद्ध की अवधि क्या थी, 16 का 8वां वाला। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो, ये लिखा है पूरा का पूरा क्वेश्चन और ये इसका उत्तर, यहाँ तक का मैंने बता दिया। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र क्या है, प्रश्न नंबर 17। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो आप सब लोग, ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसके उत्तर को भी देखते हैं। देखो यहाँ तक के एक्यूरेट क्वेश्चंस और उनके उत्तर अपन ने देख लिए, अब इसके बाद में यहाँ जाते हैं। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक सरकार की कोई दो मुख्य विशेषता है। तो देखिएगा लोकतांत्रिक सरकारों की दो मुख्य विशेषता यहाँ से देख कर लिख लो, ये लिखी है, प्रश्न नंबर 18।
हिमालय पर्वत श्रृंखला को समझाकर लिखिए, प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया। तो देखो इसका उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो आप सब लोग, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन और ये इसका उत्तर है। और उसके बाद में चलो हम आगे बढ़ते हैं, प्रायद्वीपी पठार क्या होते हैं लिखिए, 18 का अथवा वाला। देखो प्रायद्वीपी पठार क्या होते हैं, यहाँ से आप सब लोग लिख ले पूरा का पूरा और याद कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं 19वां, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए किन किन आवश्यक चीज़ों की आवश्यकता होती है, प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया। देखो यहाँ से आप सब लोग इसको भी देख लो, ये क्वेश्चन और इसका आंसर मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं लिखिए, 19 का अथवा। देखो हरित क्रांति से आप क्या समझते हो, यहाँ से आप सब लोग देख लो और इसको पूरा का पूरा याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20, रूसी क्रांति क्यों हुई, इनके तीन प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए, प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा जाएगा। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख लो आप सब लोग पूरा का पूरा, ये उत्तर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, आधुनिक कृषि विधियों से प्राकृतिक संसाधन पर क्या असर पड़ा, 20 का अथवा वाला क्वेश्चन। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो आप सब लोग पूरा का पूरा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 21वां, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, मध्य उच्च भूमि भारत के द्वीप समूह। देखो मध्य उच्च भूमि को यहाँ से देख कर लिख दो आप लोग पूरा, और उसके अलावा देखो भारत की द्वीप समूह को यहाँ से देख कर लिख दो। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ से देख ले, लोकतंत्र के विपक्ष में अपने मत और तर्क देने हैं, प्रश्न नंबर 22 में पूछा गया, ठीक है। देखो इसका उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये पूरा का पूरा आंसर आ जाएगा आपका। और अथवा में क्वेश्चन पूछा गया, लोकतंत्र क्यों आवश्यक है, लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। देखो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो यहाँ तक का, ये मैंने बता दिया आपको, आप लोग लिख लें इसको पूरा का पूरा और समझ भी लें। तो देखो यहाँ तक के पूरे क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपको। उसके बाद में देखो 23वां, रूस की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक वर्तमान स्थिति को समझाकर लिखिए, प्रश्न नंबर 23 में आपसे पूछा गया। देखो 23 का उत्तर ये होगा, आप सब लोग देख लें इसको, ये और ये इसका उत्तर है पूरा का पूरा, आप लोग देखें समझें अच्छे से लिख लें इसको। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए आपका, जो 23 का अथवा था, फ्रांसीसी क्रांति क्या हुई, इसका भी उत्तर मैंने बता दिया आपको ये। तो आप सब लोग इसको अच्छे से याद कर लें और परीक्षाओं में आपको इसी प्रकार से लिख कर आने हैं। देखिएगा यहाँ पर मैंने आपको 3 सेट पेपर उपलब्ध करवा दिए, सेट ए का फुल सॉल्यूशन, सेट बी का फुल सॉल्यूशन एंड सेट सी का फुल सॉल्यूशन। अगर आप लोग तीनों सेट पेपर को अच्छे से याद कर लेते हो ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका उसी में से बनकर आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।